मंदिर लेन, लीलाधर जगोड़ी की चर्चित कविता मंदिर लेन। जी हाँ, यही है मंदिर लेन जो कब्रिस्तान को जाती है। 13 साल से मरे हुए जीवित आदमी के गिरोह से निकलकर गंगू चमार मुखबिर बनने के बाद इसी में पागल हुआ, जिसने 7 फर्जी आदमी मरवाए, जो अक्सर चीखता रहता था कि वे 7ों जिंदा हैं और रोज़ चाय पीने आते हैं होटलों में, अंधेरे में घात लगाए बैठे रहते हैं। गंगू कहता, गंगू की जान खतरे में है। अखबार कहते, यह हरिजन उत्पीड़न का मामला है। एक अदृश्य हाथ आता और गंगू को पीटने लगता। अदृश्य टांग आती और कोने में छिपे गंगू को लंगड़ी मार देती। एक अदृश्य पैर आता और बीच सड़क पर गंगू को लाते मारने लगता। इसी गली में घूमते रहते थे गंगू के चारों ओर गंगू के अदृश्य हत्यारे, जिन्हें वह मुखबिर बनकर पुलिस से मरवा चुका था। एक दिन अपनी मार खाते खाते गंगू ने चीखते चीखते दम तोड़ दिया। कहते हैं कि वह बेहद कानून पसंद आदमी था। जी हाँ, यही है मंदिर लेन जो कब्रिस्तान को जाती है। आपको कहाँ जाना है? नाले पार वाले बाग में, जहाँ एक मुड़ा हुआ सिर मिला था, जो बाद में किसी रामपीरित नामक व्यक्ति का बताया गया, जिसे कई दिन से रिश्तेदारी में गया हुआ बताते थे। बाद में वह सिर मिठाई लाल धोबी का सुना गया। इस प्रकार कुछ दिन बाद वह सिर न रामपीरित का रह गया, न मिठाई लाल का, सिर्फ किसी धोबी ओबी का होकर रह गया। वैसे मिठाई लाल की भी सिर सहित 2 लाशें मिली थीं, एक पिछले साल पुलिस ने बताई थी, एक अब हत्यारे ने बताई है, नलकूप से बंधी हुई। पिछले साल वाले मिठाई लाल की लाश कुर्ता लुंगी और गमछे वाली थी, इस साल मिठाई लाल पैंट बुशर्ट में मिला। दोनों लाशों के पुलिस ने फ़ोटो कराए हैं। घर में मिठाई लाल का अपने दोस्तों के साथ एक फ़ोटो है। दोस्तों को हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक साथ नहीं होने चाहिए दोस्तों के फ़ोटो।